हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट के वेरियस एलिमेंट हैं अलग अलग बेसिस पे। आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर की। ठीक है, पहले मैं आपको पिक्चर वे में समझा देता हूँ एंड फिर आपके स्टडी मैट्स में कवर करता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर होता क्या है? देखो, आप यहाँ देख सकते हो ये वुड है एंड इसके ब्लॉक्स रखे गए हैं। यहाँ पे आप ये वुड के ब्लॉक्स को देख सकते हो। अब एक पर्सन है यहाँ पे, वो इंगेज है क्या करने में, ये वुड्स के ब्लॉक्स पे काम करके इसको इसने टेबल में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया और इसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। ठीक, सेकंड आप यहाँ देख सकते हो ये पर्सन जो इसमें इंगेज है, ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल एंड ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर हो गया। ओके, सेकंड एक मैंने अदर एग्जांपल दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटल है, ये मेटल की सीट्स है, मेटल की सीट्स आती है एंड सीट को क्या करा, कटिंग करके इसने मेटल की टेबल बना दी। अब ये क्या हो गया, ये पर्सन हमारे लिए डायरेक्ट लेबर हो गया एंड ये हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया, और ये जो टेबल बना वो हमारे लिए फिनिश गुड्स हो गया। तो यानी ऐसा पर्सन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है वो हमारे लिए डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट मटेरियल जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स को देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। जैसे आप इसको देख के आप बता सकते हो मेटल की है, इसको देख के आप बता सकते हो वुड की है, तो इसलिए हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखो नीलकमल। अब जैसे कि हमने टेबल बनाया, फर्नीचर बनाया, हमने ब्रांडिंग की, हमने एक पार्टिकुलर कंपनी से ब्रांड लिया, उनको हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं। नीलकमल हो सकता है या कोई और भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, हम इसको पर पीस के हिसाब से हम प्राइस चार्ज करेंगे, हम इसको पे करेंगे, सॉरी हम इसको पे करेंगे, ये हमसे चार्ज करेगा। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टिकुलर प्रोडक्ट। हो सकता है रॉयल्टी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन हुआ, या हो सकता है ये रॉयल्टी बेस्ड ऑन द सेल्स हो, कुछ भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया हमारा, अब इनडायरेक्ट मटेरियल आप देख सकते हो, इस पार्टिकुलर जो हमने टेबल बनाया था उसमें स्क्रूज लगते हैं, तो ये स्क्रूज क्या हुए, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। ठीक है, किसी टेबल में 2, 4, 5 स्क्रूज हमारे लग रहे होंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, हम एक एक यूनिट की कॉस्ट को नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, हम एक नोशनल बेसिस पे हम कॉस्ट को चार्ज करते हैं। अब फेविकॉल, फेविकॉल कितना ग्राम पर टेबल में लगा, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? एक ये तरीका हो सकता है, हर एक टेबल के लिए आप फेविकॉल की वेट करो, बिकॉज कोई टेबल आप छोटा सा टेबल बना रहे हो, कोई आप बड़ा सा टेबल बना रहे हो, हर एक कंपनी में बहुत सारे टाइप्स के टेबल्स बनते हैं। तो कंपनी क्या करती है, फेविकॉल की कॉस्ट को इनडायरेक्ट बोल के प्रोडक्ट पे सीधे चार्ज कर देती है, उसको अलग अलग प्रोडक्ट, मतलब उसको डायरेक्ट नेचर में नहीं बनाती, उसको इनडायरेक्ट नेचर में बनाती है। इनडायरेक्ट बोले तो जिसको प्रोडक्ट को देख के आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसकी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब फेविकॉल एक टेबल में कितना लगा ये आप देख के आप नहीं बता सकते हो, बिकॉज फेविकॉल क्या होता है, सूख जाता है, जब टेबल में आप लगाओगे तो उस समय वो चिपचिपा रहेगा, आफ्टर जब वो सूख जाएगा तो टेबल की पकड़ जो होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसकी ज्वाइंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है एंड आप पता नहीं कर सकते कि कितनी क्वांटिटी लगी। अब देखो टेबल पे पॉलिसीज हो रही है, ये भी हमारा एक तरीके से इनडायरेक्ट खर्चा है, इसको आप आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हो। हाँ, बट इसमें एक ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पे कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी भी करती है, मैं आपको बताऊँ। अब जैसे मान लो ये हमारे लेबर है, हो सकता है इसको हम पर टेबल के हिसाब से पैसे पे कर रहे हो, या फिर हमारा सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है, अगर पर पर्सन के हिसाब से अगर हम पर टेबल के हिसाब से पे कर रहे होंगे तो ये हमारे लिए डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। अगर ये हमारा एम्प्लॉय हुआ तो इसके खर्चे हम डायरेक्टली तो हम चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमें टाइम्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि पर टेबल उसने कितना टाइम दिया, अगर पूरे दिन में उसके पास 8 घंटे थे और पर टेबल उसने 1 घंटे लगाया, 1.5 घंटे लगाया, कितना टेबल लगाया, उस अकॉर्डिंग हम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत कम कंपनी जैसी होती है जो टाइम को रिकॉर्ड करती है, बिकॉज टाइम रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक पर्सन चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे आप टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मोस्टली जो छोटी लेवल पे जो कंपनीज होती है वो इन सारे खर्चों को ना ऑपरेट में चार्ज कर देती है, सीधे प्रोडक्ट के ऊपर सीधे चार्ज कर दिया ऑपरेट में डाल के। तो ये सारे खर्चे क्या हो गए आपके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। आपको मैंने पीछे वाले टेबल में एग्जांपल दिया था, उस केस में एक मैंने आपको बताया था ये एक पर्सन था जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा था। ये सारे पर्सन जो रॉ मटेरियल को काट काट के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है,
ये हमारे क्या हो गया डायरेक्ट लेबर, बट इसके लिए हमने एक हेल्पर रख रखा है। ये हेल्पर क्या करता है, इन सबको आके जो भी लकड़ी चाहिए होता है, जो भी सामान चाहिए होता है, इन्हें इनके जगह पे दिया जाता है, जिससे क्या होता है इनका टाइम सेव होता है और प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं। तो ये हेल्पर तो किसी एक को सर्विस नहीं दे रहा, सबको सर्विस दे रहा है, तो अब इसके खर्चे को हम कैसे करें चार्ज? तो इसलिए हम इसके खर्चे को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और ये बन जाएगा हमारे ओवरहेड का पार्ट। देखो जो भी खर्चा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा होता है, वो सब कुछ ओवरहेड होता है। ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। देखो ओवरहेड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के हमारे ओवरहेड हो गया, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको मिला के प्राइम कॉस्ट बनते हैं। तो ये हेल्पर हमारे लिए इनडायरेक्ट हो गया। अब ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर तो सबके ऊपर सुपरवाइजिंग कर रहा है, अब किसके ऊपर कितना टाइम का सुपरवाइजिंग कर रहा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी सारी कॉस्ट उठा के हम ओवरहेड में डाल देंगे एंड हम टोटल प्रोडक्शन चार्ज कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो कि आप देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में इसका कितना है। अब जैसे इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपके यहाँ फैक्ट्री मैनेजर है। अब फैक्ट्री मैनेजर को आप कैसे देख पाओगे, फैक्ट्री मैनेजर तो पूरे फैक्ट्री को देख रहा है, उसकी कॉस्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे? उसलिए आप उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दोगे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स की सैलरी होगी, वो तो हर एक डिपार्टमेंट को देख रहा है, वहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। ये सारे खर्चे ओवरहेड में बनेंगे। हाँ, ओवरहेड में कौन से खर्चे कहाँ जाएंगे वो हम कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स को देख के आप फाइंड आउट कर सको, वो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर जो पर्सन डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व है, वो आपके लिए डायरेक्ट लेबर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आपने रॉयल्टी पे किया या कोई और खर्चा हो सकता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हो सकता है कोई आप एसेसरी मार्केट से परचेज कर रहे हो, रेडीमेड प्रोडक्ट आप मार्केट से परचेज करके अपने प्रोडक्ट पे लगा रहे हो, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट खर्चे हो गए। इनडायरेक्ट खर्चे जैसे सुपरवाइजर हो गया आपका, इसको आप प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फैक्ट्री मैनेजर को आप प्रोडक्ट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फेविकॉल का खर्चा हो सकता है बिकॉज आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब आप हर एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए आप फेविकॉल का तो वेट नहीं करोगे, और वेट करने से होगा क्या, आपको एक पर्सन एक तो एक्स्ट्रा हायर करना पड़ेगा, उसकी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, वो आपके लिए कॉस्ट अलग से बढ़ गया, और उससे आपके कॉस्ट पर बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, इसलिए ऐसे खर्चे को ऑपरेट बनाती है, बिकॉज उस खर्चे को आइडेंटिफाई करने में उसका इतना कॉस्ट लग जाएगा जितना का ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं होगा। सपोज अगर मेरे को कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में 10 रुपये लग रहे हैं, और इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने से मुझे बेनिफिट कितना का हो रहा है, कुछ नहीं, मुश्किल से 2 से 4 रुपये भी अगर हो रहा है, फिर भी क्या है, हमारे लॉस ही तो है। फिर भी हमारे पास अगर 2 रुपये का हो रहा है, तो हमारे पास 8 रुपये में एक्स्ट्रा पे करना है, यानी हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं किसी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कंपनी ऐसा नहीं करती है, कंपनी क्या करती है, ऐसे खर्चे देखती है, यार हाँ चलो मोटा मोटी खर्चे हमारे प्रोडक्ट से चार्ज हो रहे हैं ना, ठीक है इसको तुम ओवरहेड में डाल दो। दिस टाइप से थिंग्स चलती है कंपनी में। मैक्सिमम खर्चे ओवरहेड होते हैं आज के टाइम में, पहले के टाइम में सारे खर्चे डायरेक्ट नेचर्स के ज्यादा होते थे, बिकॉज चीजों से डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। बट अब क्या है, मैन मेड प्रोसेस कम है, अब मशीन मेड प्रोसेस ज्यादा है, चीजें मशीन पे ज्यादा बनती है, तो इसलिए खर्चों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हम सारे खर्चे को ओवरहेड में चार्ज करते हैं। अब देखो बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। अब हम ओवरहेड के बारे में बात करें, आपका यहाँ पे कॉस्ट शीट का भी टॉपिक कवर हो रहा है, वहां पे मैं जस्ट एक डिस्कशन करूंगा सिंपल सा, यहाँ पे मैं ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, या वर्क ऑन कॉस्ट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हो फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बने, इस फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, मैंने आपको बताया था फेविकॉल इनडायरेक्ट मटेरियल था, वो आपका प्रोडक्शन में कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा कॉटन्स हो सकते हैं, कपड़े भी यूज होते हैं कि प्रोडक्ट को साफ करने के लिए कपड़े यूज किए जाते हैं, वो भी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इसके अलावा लुब्रिकेंट, अब मशीन्स चल रही है, मशीन्स में
लुब्रिकेंट डालना पड़ता है जिससे उसके स्पीड्स को मेंटेन किया जा सकता है। आप भी अपने घर में अगर साइकिल यूज करते होगे तो उसमें आप वाइलिंग करते होगे जिससे आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती होगी। तो ये लुब्रिकेंट्स है। कॉटन वेस्ट मैंने आपको बता दिया है। कंज्यूमर स्टोर्स कुछ ऐसे, देखो कंज्यूमर स्टोर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कंज्यूम की जाती है। वो ना फिनिश कुछ में दिखेगा और ना रॉ मटेरियल में होगा, वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वो कंज्यूम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। तो उसके लिए हमें एक अलग से स्टोर्स मेंटेन करना पड़ता है। इनडायरेक्ट लेबर मैंने आपको बता दिया, स्टोर कीपर हो सकता है, टाइम कीपर हो सकता है, वर्क मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब किस क्या होगा इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन काम कर लेंगे, कोई सुपरवाइजर हो सकता है, कोई फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है, इस तरीके से करके बहुत सारे पर्सन होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब देखो फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सब कुछ का खर्चा क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इसको हम प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली तो चार्ज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली चार्ज करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूँ फैक्ट्री के अलावा भी। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पनीर ऑर्डर करते हो, चिकन चिल्ली हो गया या पनीर चिल्ली हो गया, जो भी आप ऑर्डर करते हो, इन डेट केस आपसे जो प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करता है क्या क्या चार्ज करता है, उसका डायरेक्ट मटेरियल जो उसने पनीर, ओनियन और भी वेरियस कॉम्पोनेंट यूज किए, इन्ग्रीडियंट्स यूज किए, उन सब के खर्चे, प्लस जो पर्सन उसको मेकिंग कर रहे हैं उसके खर्चे, प्लस जिस होटल में आप रह रहे हो, आप वहाँ पे जो आपको सर्व कर रहा है तो उसके खर्चे भी आपसे चार्ज करेगा, वो उसके ऑबरेट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एसी की फैसिलिटी दे रहा है, वो एसी का भी बिल आपसे चार्ज करता है, आपसे अपने होटल का रेंट भी चार्ज करता है, ठीक है। वो सारे खर्चे जो हो रहे हैं सब कुछ आपसे चार्ज किए जाते हैं, तभी तो वहाँ पे एक प्लेट चिकन चिल्ली हो गया या पनीर चिल्ली हो गया 200-300 रुपये के आते हैं। उसमें पनीर होता है कितना, 4-5 पीस। अगर आप 200 रुपये में घर पे कम से कम आप 750 ग्राम सा पनीर आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, कॉस्ट इसलिए इंक्रीज कर जाता है। सेम लाइक फैक्ट्री में भी क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट्स है, वेरियस चीज़ें हैं, उन सब की कॉस्ट आती है। अब आपके दिमाग में आइडिया बन चुका होगा कि फैक्ट्री ओवर में वो सारी चीज़ें आएगी जो फैक्ट्री के अंदर हो रहा होगा। आपको सोचना है कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको याद नहीं करना है, आपको चीज़ें समझनी है, इसलिए मैंने आपके सामने पिक्चर्स लेके आया हूँ। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटर, अब ये पर्सन है, ये सब बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये सब उनके लिए कंप्यूटर हो गया, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग मशीन्स लग रखी है, ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग का खर्चा हो गया, इसकी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, इसके ऊपर का हमारा खर्च हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आइटम्स, रूम्स ETC, इनडायरेक्ट लेबर सच एज सैलरीज एंड पेबल टू मैनेजर, कलर ETC, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज लाइटिंग, बैंक चार्जेज, लीगल ऑडिट फीस, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ये सारी खर्चे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। सेम लाइक दिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, अब हमने एक प्रॉपर अपना डिपार्टमेंट रख रखा है जो हमारे कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन गया। वेट मशीन रख रखा है, हमारे पर्सन आउटसाइड जा रहे हैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने, ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज सैंपल्स, पैकिंग मटेरियल ETC, इनडायरेक्ट लेबर सच एज सैलरीज एंड कमीशन पेबल टू सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज रेंट, कैरेज, आउटवर्ड वेयर हाउसिंग चार्जेज, डिस्काउंट्स ऑफर टू कस्टमर्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स ETC, ये सारा खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो आपको चीजें समझनी है, रट्टा नहीं मारना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जब मैं कॉस्ट शीट का टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएगी, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर्स को आप एक दो बार देख लो, आपको चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह से रिटेन हो जाएगी, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। होप नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।